for this thing. So thank you for giving me this opportunity. Thank you very much, Shri Kausalendra Kumar ji. सभापति महोदय, आपने मुझे जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह विधेयक मूल रूप से जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में कुछ संशोधन के लिए लाया गया है। अब दुर्लभ और शोषित जो वर्ग हैं, सामाजिक जातियां के स्थान पर अन्य पिछड़े वर्ग करने की बात कहा जा रहा है। यह शब्दों के कारण जो भ्रम और परेशानियां थी वह अब दूर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा कदम है। यह धाराओं और उपधाराओं में भी संशोधन होने जा रहा है। यह सब उपयुक्त प्रक्रियाओं का पालन करने के साथ होने जा रहा है। अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां की सूची में भी कई जातियां को शामिल किया जा रहा है, जो राज्य की मांग के अनुरूप है। इसी प्रकार देश के अन्य राज्यों से भी काफी सुझाव आए हैं, उन्हें भी सरकार को ध्यान में रखने के लिए मैं अपनी मांग रखता हूं। जम्मू कश्मीर के करीब 16 जातियां और लद्दाख क्षेत्र से 12 जातियां अब अनुसूचित जाति में शामिल हो जाएगी। यह राज्य के लोगों के लिए काफी फायदेमंद है, लेकिन माननीय मंत्री जी से भी मेरा अनुरोध है कि जिस तरीके से जब तक जनगणना नहीं होता है तब तक दलित पिछड़ों को, अगड़े को, जो आर्थिक स्थिति उनका कमजोर है, वो आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। मेरा यह भी सुझाव है कि देश भर में जातीय जनगणना होना चाहिए, जिससे लोगों का इसका लाभ मिल सके। दूसरा संशोधन कश्मीर, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन जो 2019 में कुछ संशोधन का प्रस्ताव रखती है। सरकार 2019 में जम्मू कश्मीर को इस अधिनियम द्वारा दो भागों में बांटकर केंद्र शासित राज्य बना दिया था। धारा 370 समाप्त करने के समय माननीय गृह मंत्री जी साफ साफ कहे थे कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार का गठन होगा और राज्य का दर्जा दिया जाएगा, परंतु 5 साल होने वाला है, वहां की स्थिति पहले की तरह ही है। परिसीमन कार्य हो चुका है। जम्मू कश्मीर में 107 विधानसभा सीटें से बढ़ाकर 114 हो गई और उनमें 9 सीट अनुसूचित जातियां के लिए आरक्षित है, 3 नामित भी होंगे। अब कुल 117 सीट होने वाली है। यह सब तो ठीक है, किंतु जम्मू कश्मीर की जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से अभी तक वंचित है। G20 में भी जम्मू कश्मीर का इस्तेमाल हुआ, किंतु सरकार की वहां राज्य का दर्जा देने की बात पर चुप्पी समझ में नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर में समस्याएं ज्यों क्या त्यों बनी है, आतंकी घटनाएं भी घट रही है। कश्मीरी पंडितों की हालत तो और दयनीय है। सरकार द्वारा कहा गया था कि वहां के विस्थापित कश्मीर पंडितों को जल्द से जल्द वापस लाया जाएगा। आप बताएं कितनी कश्मीरी पंडितों को वापस लाए हैं। अन्य राज्यों में श्रमिकों की हत्याएं वहां होती है रहती है। पर्यटकों की संख्या दिनों दिन कम रही है। वहां के नागरिकों की आमदनी बंद हो रही है। वहां का किसान बेहाल है। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की स्थिति पहले से भी बदतर हो चुकी है। केंद्र सरकार वहां के नागरिकों और राजनीतिक पार्टियों के साथ सलाह मशवरा करके राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल करने की प्रक्रिया का प्रारंभ करे, जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और मेरा सुझाव होगा कि वहां चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए, तभी लोकतंत्र बहाल हो सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री महेश साहू जी।